मऊ जिले के 12 गांव के प्रधानों को भारत स्वच्छता अभियान के तहत शौचालयों की प्रगति नहीं करने पर जिला प्रशासन द्वारा नोटिस जारी किया गया। जारी किए गए नोटिस से नाराज होकर ग्राम प्रधानों ने प्रदर्शन किया, साथ ही सीडीओ को ज्ञापन भी सौंपा गया। कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन कर रहे ग्राम प्रधान संघ के अध्यक्ष ने बताया कि जिले के कुछ गाँवों के ग्राम प्रधानों को स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालयों की प्रगति ठीक न होने के कारण कार्रवाई करने के लिए नोटिस दिया गया था, जिसमें कहा गया था कि अगर आप काम नहीं करते हैं तो आपके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। इसी के संबंध में हम समस्त प्रधानों ने मिलकर एक बैठक की और उसमें निर्णय लिया गया कि जिस गांव को नोटिस दिया गया है वहां की स्थिति ऐसी नहीं है कि नोटिस दिया जाए, लेकिन वहां पर नोटिस दिया गया, इसलिए हम लोगों ने सीडीओ से मिलकर अपनी बातों को रखा है। हम लोगों ने कहा कि हम लोग भारत स्वच्छ अभियान को सफल बनाने में लगे हुए हैं, लेकिन शौचालय निर्माण में तमाम तरह की बाधाएं आ रही हैं, इसलिए इन बाधाओं को दूर करने का काम किया जाए। इसके बाद सीडीओ आशुतोष कुमार द्विवेदी ने उन मांगों पर गौर फरमाते हुए शौचालय निर्माण में आने वाली तमाम बाधाओं को दूर करने का आश्वासन दिया है। दरअसल जनपद के कुछ ग्राम प्रधानों को जो है स्वच्छ भारत मिशन में शौचालय की प्रगति ठीक न होने के कारण जो है कार्रवाई हेतु नोटिस दी गई थी कि अगर आप काम नहीं करते हैं तो कार्रवाई आपके विरुद्ध होगी। इसके संबंध में ही हम लोग पहले बैठक किए हैं। बैठक के बाद जो निकल के आया है वो ये था कि बहुत जिन गांवों को नोटिस दी गई है ऐसी स्थिति नहीं है कि वहाँ नोटिस दी जाए, लेकिन नोटिस वहाँ दे दी गई है और जिन भी कारणों से दे दी गई है वो हम लोग को ये कहना था कि अगर नोटिस होगी तो काम हम नहीं कर पाएंगे, हमारे लिए समस्या होगी। प्रधान काम करने को तैयार है। स्वच्छ भारत मिशन में 2 अक्टूबर 2018 तक इसको जो जनपद को ODF करना उस काम को करने के लिए तत्पर है, कर भी रहा है, लेकिन उसमें जो बाधाएं आ रही है बाधाओं को पहले दूर किया जाए। CDO साहब ने आश्वस्त किया है कि जो भी बाधा आएगी उसके लिए DM साहब, हम पूरा जिला प्रशासन आप लोगों के साथ है, बशर्ते कि आप जो है शौचालय के काम को जो है पूरा करें। नोटिस गई है इनको? कोई मामला नहीं था। स्वच्छ भारत मिशन में 2 अक्टूबर के पहले जनपद को ODF कराना था, जहां काम की गति अपेक्षित नहीं थी, वहां लोगों को जगाने का एक तरीका होता है सरकारी प्रक्रिया में, वही नोटिस गई थी। तो लोगों को जो भी समस्याएं थी सुनी गई, उसका कैसे निराकरण हो सके, कैसे ODF पर लक्ष्य पाया जा सके, उसी पर विचार विमर्श हुआ। सर, जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है उसको भी ODF करना है, कैसे प्रभावित हो जाए? पूरा जनपद ODF होना है।